प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ जो जिंदगी को आपको बदल के रख देगा। जिंदगी में परिवर्तन बिल्कुल होगा तो बिल्कुल होगा। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। आज मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ जो आपके माइंड के शक्ति को बहुत ही आगे ऊपर लेके चला जाएगा। जौन जी पढ़ेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हर हाल में इस चीज को ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको जोश रखना है। अगर सपनों को साकार करना चाहते हैं तो जोश आप में होना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, उसको गौर से अपने जीवन में उतार लीजिएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुने होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुने होंगे। जब उसने सोचा मैं आल्पस पर्वत को प्राप्त पार कर जाऊंगा, आल्पस पर्वत पर मैं विजय प्राप्त कर जाऊंगा, तो वहां पर बैठी हुई बुढ़िया थी, तो समझाता कि बेटा जिसने आज तक गया है, मारा गया है, वहां से लौट के नहीं आया है, ये बहुत ही दुर्गम पहाड़ी है, यहां से कोई गुजर नहीं सकता है, बिल्कुल असंभव है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उस बुढ़िया को चरण छूती है, बोला माँ, असंभव शब्द मूर्खों के इतिहास में लिखा होता है, असंभव जो शब्द है मूर्खों के डिक्शनरी में भी लिखा होता है, हम मूर्ख नहीं है, हमारे शब्द में असंभव शब्द है ही नहीं। और नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, अपने सैनिकों को लेकर आता है और बुढ़िया के बात को याद करता है, इस दुर्गम को कोई पार ही नहीं कर सकता है, इस पहाड़ी को कोई पार ही नहीं कर सकता है। उसने मन ही मन संकल्प लेता है कि नहीं, मैं इसको हर हाल में विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि जो चीज चुनौती देता है वही आदमी को चेंज करता है। और उसका जब सैनिक दिखता है इतना पहाड़ी, दुर्गम पहाड़ी को, इतना विकट परिस्थिति को, तो उसने डर जाए, उसका सैनिक डर जाते हैं, लेकिन उसमें जोश था, नेपोलियन बोनापार्ट में जोश था, बोला नहीं, इसको मैं पार करके रखूंगा। और उसने दो प्रकार के सिक्के बनाते हैं, एक सिक्का में दोनों तरफ हेड रहता है, दोनों साइड हेड रहता है, एक सिक्का में दोनों तरफ टेल ही रहता है, यानी एक सिक्का में हेड टेल नहीं है, एक सिक्का में हेड हेड है और दूसरे सिक्का में टेल टेल है। और सैनिकों को उसने खड़ा करता है, उसको ब्रीफ करता है और बताता है नेपोलियन बोनापार्ट कि मैं पार कर सकता हूँ, अगर सिक्का को मैं उछालता हूँ, अगर सिक्का चीत आ जाएगा या पट आ जाएगा तो विजय मेरा ही होगा। तो सैनिकों को बोलता है, बताइए आप चीत लेना है कि पट लेना है, हेड लेना है कि टेल लेना है, बोला हेड लेना है। उसने पॉकेट से निकालता है हेड के सिक्कों को और उछाल देता है, उसमें दोनों साइड हेड ही रहता है उस सिक्का में, और उसको देखता है हेड आता है, पूरा सैनिकों में जोश आ जाता है, बोला मेरा विजय निश्चित है, यानी संकल्प उसको जाग गया, सोया हुआ एनर्जी जाग गया। जब सोया हुआ एनर्जी जाग जाता है आदमी में, खुद को जगा लेता है, तो आने वाला परिस्थितियां है जो खुद सदा हाथ जोड़ देती है, बोला इससे पार पाना नहीं है, वो खुद सर झुका देती है और विजेता उसको विजयी होकर आगे निकल जाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने वही किया और विश्व के इतिहास में पहली बार कोई आल्पस पर्वत को पार कर दिखाया, सिर्फ वन आदमी नहीं, अकेले नहीं, पूरे सैनिकों के साथ, पूरे बटालियन के साथ। तो आप जोश को जगा दीजिए, अगर जोश आप में है, अभी वर्तमान में क्या है, एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है, बिहार एसआई का एग्जाम है, बिहार पुलिस का एग्जाम है, बनरक्षी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, आरआरबी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, जोश को जगा दो, क्योंकि जो जोश जगा देगा तो नेपोलियन बोनापार्ट बन जाता है और उसके डिक्शनरी में असंभव शब्द स्वतः हट जाता है और पुनः विजय हो जाता है। तो हमेशा इस चीज को याद रखना और संकल्प लेना है बहुत ज्यादा। आज संकल्प मेरे साथ ले लीजिए, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। हमारे पूर्व साइंटिस्ट और हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के जिंदगी को जानते हो, यहाँ गौर से देखिए, ये बांधे हुए ना विद्यार्थी को जोश दे रहे हैं कुछ भी करने के लिए। इनके जीवन को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। प्रारंभिक अवस्था में या जब छोटे थे, इनके माँ पिताजी कपड़ा सीव करते थे, बहुत गरीब घर के बच्चे थे, ये पेपर बेचा करते थे। पेपर बेचते बेचते एक दिन क्या किया, उस पेपर में एक जहाज का फोटो देख लिए और बोले मैं जहाज ही उड़ाऊंगा, जिद धर लिए। बचपन था, 8-10 साल के इनका एज था, बोले बचपन में मैं फ्लाइट ही उड़ाऊंगा और पायलट बनने का सपना ले लिया। जब इन्हें सपना लिया तो तैयारी करना शुरू किया, इंटर पास किया तो तैयारी करना शुरू कर दिया। ये सब चीज में सेलेक्ट हो गए लेकिन इनको इंटरव्यू में निकाल दिया गया, बोला नहीं तुम्हारे लायक तुम नहीं बन सकते हो, तुम्हें क्वालिटी नहीं है। इन्हें संकल्प लिया कि मैं जहाज नहीं मैं मिसाइल को बना दूंगा और आने वाला समय मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। तो संकल्प में इतना शक्ति है, जो चाह लेगा, अगर संकल्पित आदमी हो जाता है, अगर आदमी रियल में संकल्पित हो जाता है, तो आने वाला परिस्थितियां कुछ कर ही नहीं सकता है। वो देखता है कि विजेता है, उसके पास नींद नहीं आता है, वो बाथरूम तक नहीं जाएगा, उसको ना तो दिन पता लगता है ना रात पता लगता है, सिर्फ मंजिल ही दिखता है और आने वाला समस्या उसको स्वतः ही हल हो जाता है। ये चीज को हमेशा आपको ध्यान देना है, संकल्प लेना है। एक चीज और बताता हूँ, आपको आदत डालना पड़ेगा जिंदगी में। सब दिन सोने का आदत डाले हैं, सब दिन टाल मटोल करने का डाले हैं, आज का काम कल डाले हैं कि नहीं, आज का काम आज नहीं करूंगा, हम कल करेंगे, इसको हमेशा ध्यान रख लीजिएगा।
आज तक आपको 20 साल एज हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, यही सोचते हैं कि नहीं कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल करते करते खुद को कितना कितना धोखा दोगे, कल करते करते फिर एक दिन क्या हो जाएगा, खुद समाप्त हो जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे, आप समाप्त हो जाएंगे, खुद ब खुद सब दुनिया से चले जाएंगे। तो नहीं, अभी जाग जाइए, चादर को ताने हुए तो छोड़ दीजिए, उसको उठिए। एक विद्यार्थी ने हम आज कमेंट किया है कि सर आलस को दूर कैसे करें, हमको ठंड लगता है, ठंड को दूर कैसे कर सकते हैं। कभी सोचना, सुबह में जब उठते हो तो देखना चिड़िया जो दाना चुगते रहती है, छोटे छोटे जानवर अपना भोजन खोजते रहते हैं, क्या उसको ठंड नहीं लगता है? अपना कर्तव्य को नहीं छोड़ता है तो हम क्यों छोड़ देंगे? हम तो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या को अर्थी। जब हम अर्थी के समान नहीं मेहनत करेंगे, अर्थी जाता तो पूरा दुनिया शोक मनाता है, तो हम भी ऐसा ऐसा अर्थी बन जाए, ऐसा मेहनत करें कि पूरा परिस्थितियां शोक मनाए कि इसको हम तो रोक ही नहीं सकते हैं, रास्ता दे दो भाई, रास्ता दे दो। देखता जब अर्थी गुजरता है, लाश को लेकर मानव जाता है, तो लोग साइड भाग जाते हैं कि नहीं भाई छुआछूत है, छुआछूत जो भी हो मानना हमारे समाज में माना जाता है। तो जब आर्थिक की तरह मेहनत करिएगा, पागलों की तरह हो जाइएगा, तो परिस्थितियां बोला नहीं इसमें सटना नहीं है, बिल्कुल हमको हट जाना है, और विजय का झंडा बिल्कुल लहरा दोगे। तो आदत कैसे बनाएंगे? खुद को ट्रेंड करिए। आज तक हम खुद को ट्रेंड क्या किए हैं? आज तक हम खुद को ऐसा ट्रेंड करते हैं कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, वही बात हमारे मन में बैठ गया है, तो आज नहीं पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ये करते करते हमारा जिंदगी निकल जाएगा। तो नहीं, आज से संकल्प ले लो कि नहीं माँ पिताजी के सपनों को साकार करना है, जिंदगी में हमको कुछ करना है, आए हैं तो कुछ करके हमको दिखाना है। तो कैसे इसको करेंगे, आज मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, सीखेंगे। आप घोड़ा को देखे हैं, घोड़ा को कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है मालूम है? घोड़ा को दिया जाता है, क्या करा जाता है, देखिए घोड़ा पर बैठ गया, बोला टिक 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 टिक, घोड़ा भाग रहा है, टिक 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 टिक, घोड़ा भाग रहा है, गठ आया, उसको क्या घोड़ा सवार ने बोला जंप, घोड़ा क्या हो गया जंप हो गया। फिर आगे गठ आया, टिक 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 टिक, घोड़ा जा रहा है, फिर बोला घोड़ा जंप, जंप हो गया। जितना बार गड्ढा आता है घोड़ा को जंप बोलता है, जंप हो जाता है। जब 10 दिन 15 दिन ट्रेंड हो जाता है, 21 दिन ट्रेंड होता है, एक महीना जब घोड़ा ट्रेंड हो जाता है, घोड़ा जब एक महीना ट्रेंड हो जाता है तो घुड़सवार छोड़ देता है। जब भी गड्ढा आता है, एक समय ऐसा आता है कि घोड़ा अपने से टप जाता है, अपने से टक्कर जाता है, अपने से जंप कर जाता है, किसको, गड्ढे को। तो वैसी बात जिंदगी में हमारा लागू होता है। एक चीज और चीज होता समझ लेंगे हम। एक बार क्या हुआ, घुड़सवार घोड़ा लेकर जा रहा था, उसको रास्ते में नींद आ गया, और क्या हो गया, गड्ढा आया, घोड़ा अपने आप जंप कर गया। इसका सिंपल एग्जाम्पल आप वर्तमान में भी लेना चाहते हैं, जब झांसी की रानी है, झांसी की रानी था, क्या था, जब गड्ढा आया था घोड़े क्या हो गया, टपके पार हो गया था, क्यों, उसको ट्रेंड किया गया था, उसको आदत में शुमार था उस चीज को। आप भी आदत डालिए, अब रात दिन पढ़िएगा, रात दिन एक 12 से 15 दिन एक महीना रेगुलर पढ़िए, 20 घंटा मेहनत करिए, 18 घंटा मेहनत करिए, एक समय आएगा कि आपको नींद नहीं आएगा, 4 घंटा 2 घंटा में नींद पूरा हो जाएगा। हाँ, चाहते हैं कि ठंड हमको कैसे कम हो, आलस हम कैसे कम कर दें, उसका भी मैं नियम बताता हूँ, उसके लिए योग करिए। एक योग आता है भ्रस्तिका प्राणायाम, क्या आता है, नंगा साधु को देखा है, नंगा साधु को देखे होंगे, कहाँ रहता है, पहाड़ों में रहता है, उसका घर नहीं होता, पहाड़ों पर रहता है, अभी बर्फ ही बर्फ होगा, वहां पर नंगा साधु रहता है, कैसे रहते हैं, अपने आप को ढालता है, एक प्राणायाम करता है जिसको बोलते हैं भ्रस्तिका प्राणायाम, वो शरीर में इतना उष्मा पैदा कर देता है कि उसको ठंड ही नहीं लगता है। आप भी करिए, उसको काट के लिए करना है तो हर हाल में क्या करना है, इसको करते ही रहना है। तो एक चीज घोड़ा के बारे में बता दी आपको, आपको क्या करना है, घोड़े की तरह ढालना है, सब ट्रेंड करना है अपने आपको। आप नहीं ट्रेंड करते हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अपने आपको क्या ट्रेंड कर रहे हैं कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे हम कल पढ़ेंगे, इस चीज को हमेशा सुधारना है। अगर अभी भी नहीं संभले, अभी भी नहीं संभले तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज मेरा बात मान लो, मैं अपना बायोग्राफी बताऊंगा ना तो आप हिल जाएंगे। एक समय था कि मैं सोचता था किताब, आर एस अग्रवाल किताब ले लिया, ये बीटीसी कोई भी किताब ले लेता, 10th क्लास में पढ़ता था तो बोलते थे पूरा किताब करेंगे तभी सोएंगे, बहन हमको खाना निकाल के रख देती थी, खाना बोले बहन रख दो, और खाना सूख जाता था, 4 बजे अब समझ में ना आया, बहन बोले भैया खा लेना, अब याद नहीं रहा हमको क्या करें, अब ये पागलपन लाना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रेनर होना बहुत जरूरी है। तो आइए मेरे साथ, आपके सपनों को उड़ान हम देने में सहयोग कर सकते हैं, आपके माँ पिताजी के सपनों को आपको लक्ष्य प्राप्त है करने का, उसमें गुरु का होना बहुत जरूरी है, एक बड़े भाई का होना जरूरी है, एक आदर्श व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, एक ट्रेनर अच्छे ट्रेनर का होना जरूरी है। शिक्षक क्या है, एक शिक्षक का सिर्फ पढ़ाता है, एक शिक्षक का जो सिर्फ पढ़ाता है, अच्छा शिक्षक बताता है, लेकिन जो श्रेष्ठ शिक्षक होता है आपको मंजिल तक पहुंचाने के हाल में गाइड करता है। तो आइए मैं उसके लिए तैयार हूं, और फौज आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। तो एक बार और बता देते हैं, सारा चीज सुनने के बाद भी आपको दिमाग में कुछ नहीं हटता तो आत्मा की आवाज सुनना। जब सोते हैं ना रात में, तो सोते तो सोना चैन की नींद आ गया, एकदम मन शांत है, शांति महसूस हो रहा है, तो समझ जाना आज ये काम मेरा पूरा हो चुका है। लेकिन मन में उलझन है, मन में टेंशन है, यानी आज ये काम हम आज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आत्मा मेरा सो नहीं रहा है, हम बेचैन हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखिएगा। तो ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में समझ गए, अच्छी तरह से क्या करना, पढ़ना आज से एकदम हर हाल में पढ़ना है, सोना ही नहीं है, जब तक मंजिल पूरा नहीं हो जाए जब तक सोना नहीं है। मैं दावा करता हूँ, इसको 15 दिन फॉलो करके देखिए, ये जब जाग जाएगा ना
किताब पढ़ेंगे नहीं, पीना चालू हो जाएगा, फिर सोचेंगे काश मैं पहले से मेहनत किया होता, माइंड में इतना शक्ति एहसास होगा। इसी के साथ वाणी को समाप्त करते हैं, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको पूरा फॉलो करके देख लीजिए। जिंदगी में नहीं चेंजिंग आएगा तो फिर बता देना, फिर बता दीजिएगा कि हाँ सर जिंदगी में चेंज, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा करता हूँ आपका छोड़कर, आपको छोड़कर उस एरिया में कोई विद्वान नहीं होगा जितना बड़ा विद्वान आप होंगे, क्योंकि जो आदमी संकल्पित हो जाता है उस संसार को जीत जाता है। एक चीज और बताता हूँ, हम सुबह उठते हैं भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, अगरबत्ती नहीं दिखाना है, अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं मिलता है। भगवान क्या हमको बचा सकते हैं? बचा नहीं सकते हैं। हमको पढ़ा सकते हैं? नहीं। तो क्या दे सकते हैं? अगर भगवान को जिसको मानते हैं बोलो भगवान हमको नौकरी दे, तो नौकरी दे सकते हैं। बोले भगवान हमको गाड़ी दीजिए, गाड़ी दे सकते हैं। बोले भगवान हमको स्वास्थ्य, स्वास्थ्य दे दो, स्वास्थ्य दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं हमको? सिर्फ शांति दे सकते हैं। परमात्मा के हाथ में सिर्फ एक ही चीज, शांति। और शांति से इस शक्ति की शुरुआत होता है, सरस्वती का देन होता है, सब कुछ शांति समर्थ आता है। शांति, शांति कब मिलता है? जब आप काम करते हैं तो परमपिता परमात्मा ने खुद है जो मां शारदा दे देती है। तो शांति को अगर प्राप्त करना चाहते हो आज काम आज करिए। तो फिर मैं कह रहा हूँ, दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति वही है जो आज का काम कल पे टालता है। तो चाहते हैं कि दुनिया का हम सबसे सुखी आदमी हो जाए, तो आज काम आज करिए से विदा लेते हैं। बड़े भाई का आदेश है, आग्रह है, विनती है, भाई बहनों पूरा देशवासियों से आग्रह है, चाहे जिस फील्ड में काम कर रहे हो आज काम आज करें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपसे विदा लेते हैं इसी आशा के साथ कि आप मन लगा के पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।